तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकेत। आप देख रहे हो मूवीज इन और आज हम बात करने वाले हैं डेक्स्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक रेड लैंटियन है जो कि हमारी बिल्ली जैसी दिखते को हमें मिलती है, जो कि देखने को मिली थी फर्स्ट टाइम कॉमिक्स में फाइनल क्राइसिस रेज ऑफ द रेड लैंटर्न्स इशू नंबर 1 में। जी हाँ दोस्तों, इतनी पुरानी कॉमिक्स है और पुराना ही अपना ये रेड लैंटर्न है जो कि डेक्स्टर के नाम से जाना जाता है। तो इसी के ही बारे में बात करेंगे हम और इसकी ही पूरी ओरिजिन कवर करेंगे। तो चलिए आइए मिलके करते हैं डेक्स्टर की ओरिजिन कवर। तो लेट्स बिगिन। कहानी है ब्रुकलिन सिटी की, जहाँ पर ब्रुकलिन में एनिमल शेल्टर के अंदर 5 किटीज रखी है, जो कि 5 अपनी छोटी छोटी बिल्लियाँ रखी हुई है, जिसमें से अपनी एक होती है डेक्स्टर। जी हाँ दोस्तों, जिसको एडॉप्ट कर लेती है एक लेडी और उसे अपने घर ले जाती है, उसे अपनी कंपनी देती है, वो उसके लाइफ में बहुत अच्छे से घुल मिल जाती है। बट कुछ ही टाइम के बाद एक रात को एक गुंडा उसके घर में घुस जाता है, जहाँ पर डेक्स्टर ये बात नोटिस करता है और डेक्स्टर उस गुंडे को रोकने की कोशिश करता है, स्क्रैचेस वगैरह मारता है, फिर भी वो उसे रोक नहीं पाता। तभी उसकी ओनर भी जग जाती है, जो कि एक्चुअल में फ़ोन कर देती है कि भाई हेल्प के लिए कोई तो आ जाओ, जहाँ पर हेल्प नहीं पहुँच पाती और उसकी वहाँ पर हो जाती है डेथ। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग को आती है वहाँ पे पुलिस, जो कि इस मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रही है, जहाँ पर ये डेक्स्टर भी घूम रही है, पर वहाँ का पुलिस ऑफिसर उसको भगा देते हैं। जिस तरह से ये अभी होमलेस हो चुकी है फिर से, यानी पहले तो उसको अडॉप्ट किया गया था एक शेल्टर के अंदर से और अभी फिर से ये होमलेस हो चुकी है, जहाँ पर ये किसी बॉक्से के अंदर किसी कचरे के ढेर के नीचे रह रही है, जहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं, कुछ गुंडे मावाली जो लड़के घूमते रहते हैं वो आते हैं और वो उसे एक बैग के अंदर भर लेके जाते हैं, जहाँ पर भर के लेके जाने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई इसको ब्रुकलिन ब्रिज से नीचे पानी में फेंक देंगे हम। ऐसे ही कुछ छेड़खानी करने की वजह से वो एक्चुअल में अपनी जो डेक्स्टर है उसे फेंक देते हैं पानी के अंदर, जहाँ पर वो नीचे ब्रुकलिन ब्रिज से गिर रही है। पानी के अंदर पहुँचने से पहले उसके पास जो एक रेड लैंटर्न की पावर रिंग्स है वो उसकी पूंछ में अटक जाती है, जिससे वो कन्वर्ट हो जाती है पूरी की पूरी डेक्स स्टार में, जहाँ पर वो वापिस आती है उड़ के। सिंपल सी बात है भाई, अभी ये ट्रांसफॉर्म हो चुकी है एक प्यारी प्यारी किटी से एक रेड लैंटर्न में, जहाँ पर वो आती है उन दोनों को मारती है और उसे फिर अपने ओनर की याद आती है, जहाँ पर वो ओनर का बदला लेने के लिए, जिसको यानी ओनर का जिसने मर्डर किया था उसका बदला लेने के लिए आगे बढ़ती है और उस बंदे को भी मार डालती है और अपना जो ओनर है उसी के पास बैठ के रोने लगती है। इसी तरह से भाई अपनी ये जो डेक्स्टर है ये बन जाती है डेथ स्टार। जी हाँ दोस्तों, तो इसके पास अगर पावर्स की बात की जाए तो लैंटर्न्स के पास जो पावर्स है वो इसके पास तो है ही, बट इसकी ये जो ओरिजिन है जिससे वो और ज़्यादा ब्रूटल हो जाती है आगे चल के, जैसे ये ब्लैकेस्ट नाइट में भी देखने को मिल गई, रेज ऑफ द रेड लैंटर्न्स में भी देखने को मिल गई, यानी ये इसकी ही ये कॉमिक्स है पूरी की पूरी, और साथ ही साथ हमें ब्राइटेस्ट डे में भी ये नज़र आती है, बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हुए दिखी है, हेल जॉर्डन के साथ भी ये काम करते हुए हमें दिखी है, जो कि एक्चुअल में थोड़ी बहुत सी नोकझोंक सी एक बातचीत उनके बीच में ही होती रहती है। और ये रेड लैंटर्न है इस वजह से इसके पास रेज और बाकी सारी चीज़ें जो रेड कलर को बिलोंग करती है वो सारी चीज़ें इसके पास है ही, और रिंग की जो पावर्स है जैसे रिंग से कुछ भी चीज़ें बना सकते हैं, कुछ भी चीज़ें सोच सकते हैं, तो उसी तरह से ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ इसके क्लॉज भी है, क्योंकि इसके पास पंजे हैं तो वो क्लॉज की मदद से वो बाहर के जो भी दुश्मन है उनको मार सकती है। तो इसी तरह से है दोस्तों ये डेक्स्टर। आपकी इसकी ओरिजिन कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, डीसी फैंस के साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना मूवीजिंग चैनल को, क्योंकि आए दिन हम ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ इन।